लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और आपके साथ मैं हूं साक्षी। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। उज्जैन आई पार्श्व गायिका अनुराधा पोड़वाल ने किए भूत भवन बाबा महाकाल के दर्शन। फिल्म जगत से राजनीति में आने वालों पर भी कसा तंज। वर्षा ऋतु के आते ही रतलाम में हुआ हरियाली के महाअभियान का शुभारंभ। कार्यक्रम के तहत कलेक्टर पुलिस अधीक्षक ने किया वृक्षारोपण। झांसी के मोंट रेलवे स्टेशन के मास्टर पर यात्रियों ने लगाया आरोप। यात्री बोले कि स्टेशन मास्टर नहीं देता टिकट और कहता है बिना टिकट के ही बैठ जाओ। पार्श्व गायिका अनुराधा पोड़वाल आज अपने परिवार के साथ भूत भवन बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंची। अनुराधा पोड़वाल ने कहा कि वे हर माह बाबा के दर्शन के लिए आती है। पोड़वाल ने फिल्म जगत से राजनीति में आने वालों पर भी तंज कसा और कहा कि अगर ज्ञान हो तो ही राजनीति में जाना चाहिए। उज्जैन में आज भूत भवन बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पार्श्व गायिका अनुराधा पोड़वाल पहुंची। अनुराधा पोड़वाल ने महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा का पूजन अभिषेक किया, जिसके बाद पोड़वाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बाबा की भक्त है और हर महीने बाबा के दर्शन के लिए आती है। पोड़वाल ने इसी के साथ संगीत और अभिनय के क्षेत्र को छोड़कर राजनीति में आने वाले कलाकारों के लिए कहा कि अगर किसी क्षेत्र का अनुभव हो तो ही जाना चाहिए। मैं यहाँ हर महीने आती हूँ, बाबा बुला लेते हैं और इनके दर्शन से बस आशीर्वाद रहता है, पूरे परिवार पे कृपा रहती है और यहाँ तो हमेशा ही आती रही हूँ, बाबा है वो, अच्छा ही लगता है। उज्जैन से प्रदीप मालवी की रिपोर्ट। रतलाम शहर को हरा भरा बनाने और वृक्षों से आच्छादित करने के लिए वर्षा ऋतु के आते ही हरियाली के महाअभियान का शुभारंभ रविवार को किया गया। हरियाली ए रतलाम कार्यक्रम के तहत कलेक्टर रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने अन्य जनों के साथ शहर के इंदिरा नगर साई मंदिर परिसर में वृहद वृक्षारोपण किया। कलेक्टर रुचिका चौहान की पहल पर रतलाम नगर को हरा भरा बनाने नगर के बगीचों के सौंदर्यीकरण के लिए हरियाली ए रतलाम कार्यक्रम का आरंभ किया गया। पूरे मानसून में सघन वृक्षारोपण का कार्य नगर में किया जाएगा। प्रयास होगा कि वर्षा के मौसम में नगरीकरण रोजाना कहीं ना कहीं वृक्षारोपण अवश्य करे। प्रत्येक रविवार को प्रशासनिक अमला भी नागरिकों के साथ वृक्षारोपण का कार्य करेगा। रविवार की सुबह इंदिरा नगर साईनाथ मंदिर परिसर में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में पुलिस तथा प्रशासनिक अमले के साथ बड़ी संख्या में नागरिक भी उत्साह से वृक्षारोपण में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर घरों में वृक्षारोपण के लिए नागरिकों को पौधे भी वितरित किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। झांसी के मोंट रेलवे स्टेशन के मास्टर पर रेल यात्रा करने वाले यात्रियों ने गहन आरोप लगाए हैं। एक महिला का कहना है कि वह बीते दिन मोंट रेलवे स्टेशन से लखनऊ की ओर जाने के लिए स्टेशन पर आई थी। इस दौरान स्टेशन मास्टर ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिससे मजबूर होकर यात्रियों को वापस लौटना पड़ा। आज फिर वही रवैया अपनाते हुए स्टेशन मास्टर ने टिकट नहीं काटा और कहने लगे कि बिना टिकट के ऐसे ही बैठ जा। इस वजह से यात्री और स्टेशन मास्टर में कहासुनी होने लगी, जिसके बाद सभी यात्री स्टेशन पर मौजूद रेलवे पुलिस चौकी पहुंचे। स्टेशन मास्टर की लिखित शिकायत की, तब कहीं जाकर स्टेशन मास्टर ने उन्हें टिकट दिया। वहीं इस पूरे मामले पर इंचार्ज चौकी प्रभारी आरएस अहिरवार हेड कांस्टेबल ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टेशन मास्टर का यह आए दिन का रवैया है। अभी बीते 10 दिनों पहले ही रेलवे के विद्युत कर्मियों से भी उन्होंने अभद्रता की थी। सर, यहाँ पर क्या मामला हो गया है? सर, मैं ड्यूटी में था 8 से 20 बजे तक, तो करीब साबरमती एक्सप्रेस आने का टाइम हुआ और साबरमती झांसी से छूट चुकी थी, गड़मऊ आ चुकी थी, तो पब्लिक लाइन पर टिकट के लिए मारामारी कर रही थी। तो जब हम उनको समझाने वहाँ गए टिकट के लिए, तो बोले साहब टिकट नहीं बांट रहा स्टेशन मास्टर शाहरुख खान। और दो लेडीज ही आई मेरे पास कंप्लेन देने के लिए आई, फिर 8-10 आदमी और आ गए, बोले साहब हम कल भी हमें टिकट नहीं दिया था इन्हीं स्टेशन मास्टर ने, और कल भी हम रिटर्न वापस हो गए थे और जी हमसे बदतमीज कर रहा है और गाली गलौज दे कर जाओ तुम वैसे ही विदाउट बैठ जाओ और कोई नहीं पकड़ेगा। तो सर हम तो डर के मारे बोले हम भग गए। वो मामला सर ये हुआ कि टिकट लेने गए थे, इन्होंने टिकट नहीं दिया हमको कल,
और बोल पूछने टिकट, उसके बाद ट्रेन आ गई और बोलने गए तो बोले बिना टिकट के बैठ जाओ, आगे जाके कटा लेना टिकट। कौन बोला ये बात? स्टेशन मास्टर जो टिकट काटते हो। फिर आप ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। जावरा के पास तीन रूंडी पहाड़ी पर मिली लाश के मामले में पुलिस ने मंगल बाबा और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। मंगल बाबा ने अपने साथी के साथ मिलकर यह हत्या की थी। हत्या की वजह मृतक द्वारा आरोपी मंगल बाबा का सामान चुराना था। उल्लेखनीय है कि 28 जून 2019 को ग्राम नागदी के पास तीन रूंडी पहाड़ी पर एक व्यक्ति की लाश मिली थी। इस लाश की सूचना औद्योगिक क्षेत्र जावरा पुलिस को मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश का पंचनामा बनाकर लाश की शिनाख्ती के प्रयास शुरू किए। लाश की शिनाख्त मांगीलाल पिता वीरजी भील निवासी ग्राम भूतिया के रूप में हुई। मृतक पन्नी बीनने का काम करता था। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की खोज शुरू की। पुलिस को जांच में पता चला कि मृतक आखिरी बार मंगल बाबा के साथ दिखा था। पुलिस ने मंगल बाबा की तलाश की तो वह बाबा जावरा रेलवे स्टेशन पर मिला और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने मांगीलाल की हत्या अपने एक साथी कारूलाल के साथ मिलकर करना कबूल किया। मृतक ने बाबा का रेडियो, तांबे का लोटा और घंटी आदि सामान चुरा लिया था। इसी बात से क्रोधित होकर बाबा ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये दिनांक 28 जून को थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा में एक तीन रूंडी नामक पहाड़ी है, उस जगह पर एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, जिसको पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, जिसमें पोस्टमार्टम में इसकी मृत्यु एक्सटर्नल इंजरी जो उसको चोट थी उसके कारण होना पाया गया, जिस पे थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा में 302 का मामला पंजीबद्ध किया गया। और इस पे पुलिस ने इस व्यक्ति की शिनाख्त के लिए जो प्रयास किए तो ये पता चला कि ये व्यक्ति मूलतः मांगीलाल पिता वीरजी भील निवासी ग्राम भूतिया थाना राउटी का रहने वाला है, जो पिछले कुछ माह से हुसैन टेकरी में रह रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देश पर अपराधियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। टीकमगढ़ कोतवाली प्रभारी उप निरीक्षक द्वारा मीडिया के सामने फर्जी मैरिज ब्यूरो गिरोह का खुलासा कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी शादी के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगते थे और पैसा लेकर बिना शादी कराए चंपत हो जाते थे। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।